बात उस दुनिया की जिसमें सिंधियों को खास तौर पर पहचाना जाता है, सिंधी समाज को। राम जेठमलानी जी एक ऐसा नाम था जिन पे हम बहुत गौरव करते थे, फक्र महसूस करते थे। आज उन्हीं के सुपुत्र महेश जेठमलानी जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और वकालत के क्षेत्र में आपने जो मुकाम हासिल किया है, जिस तरह से आप बहुत गंभीर मुद्दों को आगे लाते हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कार्य करते हैं, वो सचमुच हम सिंधियों के लिए, हम सिंधी समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय श्री महेश जेठमलानी जी को, और अनुरोध करना चाहूँगी सर संघ चालक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वामी हंसराम जी से, कि वो भी आ गए। मैं महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी से भी अनुरोध करती हूँ कि वो भी आए और महेश जेठमलानी जी को सम्मानित करें। साथियों, ये जो भी शख्सियतें आप देख रहे हैं, निश्चित रूपेण इन सभी का जो योगदान है वो उल्लेखनीय है। और अगर मैं ये कहूं कि इनके हौसलों की उड़ान इतनी ज्यादा है कि आज ये समूचे समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आपकी शख्सियत से हम सभी प्रेरणा लेते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दोस्तों, शायद ये अवार्ड्स की हमारी सूची अधूरी रहती यदि इसमें मातृशक्ति का नाम न होता। तो सम्मान एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने तितलियां नाम से एक एनजीओ के माध्यम से, जिसकी वो फाउंडर हैं, जिसकी वो संस्थापक अध्यक्ष हैं, उसके माध्यम से उन्होंने देश के ग्रामीण अंचलों में शिक्षा को प्रचारित किया और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, उन इलाकों में जाकर जहां पर बच्चों को शिक्षा मुहैया नहीं हो पाती थी, वहां जाकर यानी अर्बन एरियाज में जाकर उन्होंने बच्चों को न सिर्फ शिक्षा मुहैया करवाई बल्कि उनको अपने खर्चे पर, अपने एनजीओ के खर्चे पर उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। श्रीमती अनीता गुरनानी जी, जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे। इन्होंने अपने जीवन का एक ही ध्येय रखा, हर घर शिक्षा, घर घर शिक्षा। और शिक्षा की कहते हैं कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा एक ऐसा जरिया है जिससे हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, और बहुत ही उल्लेखनीय कार्य आप कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यानी भारतीय सिंधु सभा और देश की सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाएं श्रीमती अनीता गुरनानी जी को सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परम पूजनीय जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपना स्थान ग्रहण करें और इसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अपने अगले कदम की ओर, जो है कुछ पुस्तकों का विमोचन। मैं श्री राजेश वाधवानी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो उन पुस्तकों का विमोचन परम पूजनीय जी से और माननीय सरसंघ चालक जी से करवाएं। साथियों, हमारे बीच में आज तीन जिन पुस्तकों का अभी अभी प्रकाशन हुआ है, एक नाटक हेमू कालानी जिसके लेखक सुधीर आजाद जी हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं उनके शब्दों में कहूं, उनकी बात कहूं, तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से एक बहुत सुंदर बात कही है कि कोई कैसे लिखेगा मिली है आस्थाओं को प्रताड़नाएं कैसी, लिखावटों में इन्हें खिलता हुआ मधुमास लिखा जाता है। दरअसल वो कोई और होते हैं जो इतिहास में लिखे जाते हैं, शहीद हेमू कालानी वो है जिन पर इतिहास लिखा जाता है। डॉक्टर सुधीर आजाद जी की लिखी हुई ये पुस्तक शेरे सिंध शहीद हेमू कालानी हमारे साथ है। मैं परम पूजनीय जी से अनुरोध करूंगी कि, मैं भाई भगवानदास जी सबनानी जी से भी अनुरोध करूंगी कि वो भी आगे आए, आदरणीय शंकर लालवानी जी से भी अनुरोध है कि वो भी आगे आए और सहयोग करें। साथियों, इसी कड़ी में अगली पुस्तक है हेमू कालानी की गौरव गाथा, ये संकलन है मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी के द्वारा, मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी का एक ये संकलन हेमू कालानी की गौरव गाथा, जिसके लिए मैं राजेश जी से अनुरोध करूंगी कि इस पुस्तक का विमोचन भी परम पूजनीय जी से करवाएं। और तीसरी पुस्तक जिसे श्री राजेंद्र प्रेमचंदानी जी ने लिखा है, सिंध के क्रांतिकारी कही अनकही गौरव गाथाएं। साथियों, राजेंद्र जी की लिखी हुई ये जो पुस्तक है, इसमें सिंध के, हम सभी सोचते हैं कि हमारे लिए जो विदित है एक नाम शहीद हेमू कालानी, इनके अलावा बहुत कम लोगों को पता है कि सिंध में कितने शहीद हुए। तो राजेंद्र प्रेमचंदानी जी की लिखी, जी हम जोर से तालियां बजा सकते हैं इस उत्सव, इस पल को उत्सव की तरह मना सकते हैं। राजेंद्र जी की लिखी हुई इस पुस्तक में सिंध के उन शूरवीरों की गाथाएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञात है। मैं बहुत बहुत
शुक्रगुजार हूं परम पूजनीय जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की और मंचासीन समस्त अतिथियों की जिन्होंने ये खूबसूरत पल हम सभी को दिए। हम सभी ख्वाबों से ऊंचे आसमान की कल्पना करते हैं और सुनहरे भविष्य की भी और विकास की भी, लेकिन जब कोई शख्सियत आके अपने इन खूबियों के साथ देश के विकास में अपने हुनर का साथ दे और नित नए आयामों को देने में मदद करे, तो शायद वही तो वो कल्पना होती है जिसकी हम कल्पना करते हैं। एक ऐसी जमीन जहां गम भी ना हो और ढेरों खुशियां हो। तो साथियों, चलते हैं अब अगले कदम की ओर। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम साहब जी को। साथियों, महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम साहब जी की बात करूं तो आध्यात्मिक जगत की वो शख्सियत जो पूरे सिंधी समाज के लिए एकता की राह रोशन करती हैं, हम सभी को गाइड करने में आपका खासा योगदान है। बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही आदर के साथ मैं महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। वो आए और कार्यक्रम को संबोधित करें, हम सभी को अपना आशीर्वाद दें। सचमुच संत जब हमारे बीच में होते हैं तो उनका आशीर्वाद, उनका दूर से दर्शन करना ही हम सभी को बहुत आगे ले जाता है। तो अनुरोध स्वामी जी से कि वो आए और सदन को संबोधित करें। भारत माता की। मुखे लगे तो सब निंड में उठी आया हो जा। अरे जोर सा गजगोड़ कयो तो सिंध ताई आवाज वने। भारत में से आवाज सिंध तक जानी चाहिए। आज शहीदों की याद में बैठे हैं तो भारत माता की, भारत माता की, भारत के शहीदों की, शहीद मुकालानी की। श्री चंद्रदेवम शिवमदुत्यम भस्मावलिप्तम शशिशुपवण्यम पद्माशनस्तम सुखदम यतीन्द्रम वाकाय चित्ते शतम भजेहम। आज शहीद हेमुकालानी के जन्म शताब्दी वर्ष पर देव भूमि भारत से शताब्दी का जन्म उत्सव भारतीय सिंधु सभा व समस्त देश के पंचायतों व संस्थानों से मिलकर भोपाल में की जा रही है। उस उपलक्ष्य में मंच विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे परम पूज्य सर संचालक जी अन्य मोहन राव भागवत जी जिस प्रदेश में बैठे हैं, उस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच, हमारे पूज्य महापुरुष पूज्य बेग भगवान, मेरे दाहिनी तरफ सिंधु के लक्ष्मी पुत्र सरस्वती पुत्र सम उपस्थित भगवत प्रेमियों, आज सौभाग्य का क्षण है ये जो शहीदों के याद में भारतीय सिंधु सभा ने शहीद हेमुकालानी जो सबसे कम आयु में सिंध, जब सिंध अखंड भारत में थी वहां पे जन्मे और उस सिंध में जन्मे शहीद हेमुकालानी, आज उनके 100 साल का ये उत्सव भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। आज उन शहीदों को स्मृति में, यदि वो शहीद हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे सनातन के लिए, हमारी संस्कृति के लिए अपना बलिदान दिया है, तो आज हम लोग का भी हर एक जीव का कर्तव्य है, फर्ज है कि
कि हम लोग को भी उनके याद में हमेश स्मृति बनाए रखना चाहिए। उसे भी महापुरुषों ने कहा है, तीन सुधारे देश को संत, सती और सूर। देश को सुधारने के लिए संत महापुरुष, सूरवीर, जिनके कारण आज हम लोग इस भारत में अपने आप को बहुत सुरक्षित समझ रहे हैं, और सती, ये समाज को प्रेरणा देते हैं। आज हम लोग शहीद हेमू कालानी, जो सबसे बाल्यकाल में ही उनके एक सूझबूझ से उस गाड़ी को रोका, यदि वो गाड़ी आगे बढ़ती तो कितना भयानक दृश्य होता, पर उन्होंने अपने प्राण की चिंता नहीं करते हुए अपने आप उस गाड़ी की फिश प्लेट को खोल दिया। और जब अंग्रेजों को पता पड़ा तो अंग्रेजों ने जो भी दंड होते हैं उस हिसाब से उनको फांसी दी। फांसी से पहले भी उनसे पूछा गया कि उनके नाम बताओ, पर उन्होंने नाम दूसरों के बताने से मना कर दिए। आज हमको फक्र है ऐसे समाज में, सिंधु की धरती पे सिंधु सपूत शहीद हेमू कालानी। आज हम लोग सिंध की धरती से आज अपने आप को फक्र महसूस कर रहे हैं कि सिंधु के भी ऐसे वीर सपूत हुए हैं। पर अखंड भारत में, जब सिंध प्रांत भारत में था, बड़े ये वेदना का विषय है कि सिंध से हम लोग हिंद में आ गए, अपनी जमीन, अपनी संस्कृति को संजो के रखने के लिए जमीन को हमको देना पड़ा सिंध प्रांत। मैं आज इस मंच से सरकार की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सिंधी समाज की आज महती आवश्यकता है कि अपनी संस्कृति को संजोए रखने के लिए जिन्होंने अपनी भूमि दी, और भूमि हमारे स्मरण में है, जैसे माननीय सर संचालक जी ने पहले कहा, पर स्मरण में है, स्मरण में रखेंगे। पर जितना साल 75 साल आजादी के हो गए हैं, आज हम हमारी भाषा और हमारी संस्कृति से हम लोग बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे हैं। उससे हमें, जिसपे सरकार का वृद्ध अस्त होता है वो संस्कृति बचती है। संस्था सरकार को भी चिंता है, पर बराबर ध्यान दिलाने की आवश्यकता है सिंधी समाज को। मैं समाज को आज आह्वान करूंगा, जो आप भूमि छोड़ के आए हैं सनातन के लिए, धर्म के लिए, वही कुछ माह पूर्व इंदौर में जो हमारे सिंधी मंदिरों टिकाणों पे जिस तरह हादसे हुए, हमले हुए, पर आज तक अभी उसकी कोई सुध-बुध नहीं ली। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी यहां विराजमान है, आज इंदौर में जो घटना हुई विगत 2-3 माह पूर्व, जो सिंधी टिकाणों में जो घुसे, उसके लिए सिंधी समाज थाने में भी गया। पर मुझे बड़े दुखद हृदय से कहना पड़ रहा है कि उस समाज की सुनवाई नहीं हुई, पर आज तक भी वो नहीं हुआ। और आज तक वो समाज, सिंधी समाज को सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से सिंधी समाज को धमका रहा है, और सिंधी समाज कभी किसी से दबाव में नहीं आएगा, छोड़ देंगे पर तोड़ना नहीं चाहेंगे। जिस प्रकार सिंधी समाज ने गुरु ग्रंथ साहिब को सम्मान गुरुद्वारों में देना वापस मंजूर किया, और अभी भी दे रहे हैं, पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहूंगा कि आपके प्रदेश की घटना है उस पर जरा संज्ञान दिलवाइए और समाज को हक दिलवाइए। समाज को ऐसे कई विषय हैं जहां पर अनदेखी की जा रही है, यही नहीं भारत में कई जगह। मैं अभी ज्वलंत समस्या बताता हूं सिंधी समाज की। काशी के अंदर दशाश्वमेध घाट पर सिंधी समाज की छोटी छोटी गुमटियां,
अभी एक माह डेढ़ माह पहले उठा लिया। आज तक किसी सरकार ने या किसी संगठन ने किसी संस्था ने उनके लिए आवाज तक नहीं उठाई। आज तक उनको अपना हक नहीं मिला। जो कौम जो समाज इस भारत के लिए सर्वस्व छोड़ के आया, आज 75 साल भी वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। इस समाज को सरकार की दृष्टि जानी चाहिए और सरकार की दृष्टि तब जाएगी बंधुओं महिलाओं जब आप लोग एक हो गए। उस इंदौर का जवाब आपने समूचे भारत ही नहीं पूरे विश्व में, ये जो बीता चेटी चांद का उत्सव गया पूरे विश्व में पूरे भारत में सिंधी समाज में किस हिसाब से मना, ये आपकी एकता का परिचय है। आपको अपनी हक, आपको अपना हक, आपके अधिकार, आपका संरक्षण, राजनीतिक अधिकार, जो भी कुछ चाहिए सब तब मिलेगा जब आप में एकता होगी। ये आज आप संकल्प करके उठे कि शहीद की स्मृति में आज हम कुछ संकल्प करके जाएंगे, और संकल्प सबसे पहले यही करना है कि सिंधु समाज के ऊपर, सिंध प्रांत के जो पूरे भारत में हैं उनके ऊपर यदि सरकार, चाहे केंद्र सरकार चाहे अन्य कोई समाज जिस तरह से दृष्टि डाल रहा है, वो अब सिंधी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं माननीय सर संचालक जी से भी आग्रह करूंगा, ये समाज व्यवसायी है और कभी भी झगड़े में या तोड़ने में विश्वास नहीं रखता है, पर इस समय समाज की इतनी मजबूरी हमारी आ गई है जो पिछले 3 महीने से ये पूरा हमारा साधु समाज एक होकर और हमारे समाज को जगा रहा है सनातनी, एक हो जाओ एक हो जाओ एक हो जाओ। आज इस मंच से ये भी कहूं, मेरे लेफ्ट साइड जो एनआरआई दादा राम बख्शाणी जी और अन्य हैं, यहां दूर देश सब सुन रहे हैं, सब लक्ष्मी पुत्र हैं, अपनी अपनी संस्थाएं बना रखी है। मैं कहूंगा विश्व लेवल पे एक सिंधी समाज ऐसी धरोहर, ऐसा कार्पस फंड बनाए जैसे दूसरे समाज, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, उज्जवल समाज जिस प्रकार से बना रहे हैं अपने समाज की रक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए इतना बड़ा कार्पस फंड बनाए। आज इस सबके लिए हमको एक ही है कि उस शहीद की स्मृति में शहीद हेमू कालानी को नमन करते हुए, देश के समस्त शहीदों का नमन करते हुए हम लोग ये संकल्प रहे कि सिंधी समाज आज से हर एक दुख सुख में सबके साथ रहेगा। रहेगा या नहीं, आवाज तो रहेगा या नहीं, एक भारत माता की, भारत माता की, शहीद हेमू कालानी की, हर हर महादेव। धन्यवाद महामंडलेश्वर जी। समाज एक था, एक है और एक रहेगा, तभी तो उस वीर क्रांतिकारी को याद करने के लिए आप दूर दूर से इस स्थान पर आकर एकत्रित हुए हैं। हम सभी उस वीर क्रांतिकारी को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसे हेमू कालानी के नाम से दुनिया जानती है, और उस क्रांतिकारी को नमन करने के लिए हम सबके बीच परम पूजनीय सरसंघचालक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। तो तहां सभी पहुंचे उन एकता अनुशासन जो परिचय तो दियो ना जंजलाय महामंडलेश्वर चो भाई वे हो धीरज असा बुधो परम पूजनीय छा चवण वारायन अमर बलिदानी हेमू कालानी समाज जिलाए। माननीय मुख्यमंत्री जे दिल में केतरी संवेदनशीलता है सिंधी समाज जिलाए, पर यो बुधंदो वेहंदो धीरज धारींदो थोड़ो सो वक्त बियो दियो तहां सा यो निमाड़ो निवेदन है। सिकड़ी में अब आगे हम बढ़ते हैं और भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लदाराम जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे आए और अपनी बात रखें। आदरणीय लदाराम जी,
आयो लाल सभी चो राजा भोज की इस समर धरती को नमन करते हुए हमारे परम पूजनीय संत शिरोमणि महामंडलेश्वर साईं हंसराम साहेब शादरणीय दरबार के अष्टम पीठाधीश्वर परमादरणीय संत शिरोमणि युधिष्ठ लाल जी, सिंधी साधु समाज के पूजनीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खेमियादास जी, परम पूजनीय सर संचालक आदरणीय डॉक्टर मोहन राव जी भागवत, इस क्षेत्र के माननीय संघ चालक अशोक सोहनी जी, मेरे सहयोगी आदरणीय भगत राम छाबड़ा जी, माननीय भगवान दास सबनानी जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को, और सामने एक जन समूह जो एक सागर की तरह आज हमारे सामने है, और उसके प्रणेता अमर शहीद अमर बलिदानी हेमू कलानी जी के इस शताब्दी जन्म शताब्दी वर्ष समारोह में एक जो जन समूह उमड़ पड़ा है, उन सभी को, भूमिपुत्रों को, मातृशक्ति को नमन करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे पूर्व भाई भगवान दास जी ने आज कल इंदौर में जो एक दुर्घटना हुई है, उन सभी हुतात्माओं को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। हमारे क्षमा चाहता हूँ मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, आज हमें एक अवसर मिला है, क्योंकि हमारे भारत में जो हमारे दूसरे भाषा के बंधु रहते हैं, उनको ये जानने का अवसर मिला है कि हमारा समाज भी एक गौरवशाली समाज है। भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले हमारे समाज में हुए हैं। दुर्भाग्य से इतिहास को छुपाया गया है, हमारे सामने शहीद हेमू कलानी जी का ही नाम आता है, पर ऐसा नहीं है। जो मुझे जानकारी है, 1931 में हर किशन गुरदास मल, एक वो भी 24-25 साल का युवा था, और अंग्रेजों के जुल्म का शिकार हुआ और उसे फांसी दे दी गई। ऐसे 40 सदस्यों का परिवार, बालानी परिवार, जिसे अंग्रेजों ने सबको, पूरे परिवार को, 40 आदमी के परिवार को जेल में डाल दिया, कुल मिला के आज बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारा समाज भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए कहीं पीछे नहीं रहा। और आज का जो दृश्य मैं देख रहा हूं वो उसी का एक अनुभूति करा रही है। ये आजादी के अमृतकाल का महोत्सव है, 75 वर्ष हमें देश को स्वतंत्र हुए हुए गए हैं, और उसी का हम आज ये उत्सव भी मना रहे हैं। 75 वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया, हम ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं कि वो अपने जड़ों से उखड़ गया। जैसे कि कुछ समय पहले
पूजने सर संचालक जी ने कहा कि हम भारत में ही थे और भारत में ही हैं, ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सत्य है। कई हमारे बंधुओं को ये लगता है कि हम वहाँ से दूसरे देश से यहाँ आ गए, ऐसा नहीं है। जब हम आए तब भारत एक था। हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए भारत की उस ओर से यहाँ आ गए, और जैसा कि मुझे अपने बुजुर्गों ने बताया है कि हम उस धरती के वासी हैं जहाँ पवित्र सिंधु नदी बहती है। वो सिंधु नदी जिसके तट पर हमारे ऋषियों ने वेद लिखे, ऐसे पवित्र सिंधु नदी का जल पीकर हमारी माताओं ने अपने स्तन के द्वारा हमें जो दूध पिलाया है, वो दूध ही हमारी शक्ति का एक कारण है। विश्व सोचता है, कभी कभी सोचता है कि ऐसा कैसा समाज है जो जड़ों से उखड़ने के बाद भी आज वट वृक्ष की तरह खड़ा है। हमारा समाज जब भारत के उस कोने से यहाँ आया तो न किसी से भीख मांगी, न कोई सरकारी मदद ली, छोटे छोटे व्यवसाय करके और अपनी मेहनत से अपने देश को बताने की कोशिश की कि हम स्वावलंबी हैं, हमारा समाज पुरुषार्थी समाज है। और हमने आज न सिर्फ खुद को स्थापित किया है पर राष्ट्र के प्रगति में भी हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है, और मैं यही गर्व से कह सकता हूँ। और उपस्थित मेरे सामने सारे जन समूह को मैं कहना चाहता हूँ कि जो रीति नीति से हमको हमारे पूर्वजों ने सिखाया, और ये सारा मैं इसका श्रेय राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ को देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे सिंध में हर घर में जाकर हिंदुत्व की अलख जगाया। मुझसे ज़्यादा जानकारी तो परम पूजनीय सर संचालक जी को होगी, पर मैं ये भी गर्व महसूस करता हूँ कि हमारा छोटा सा प्रदेश, 8 या 9 जिलों का प्रदेश था, उसने 72 प्रचारक दिए। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश भी आज तक उतने प्रचारक नहीं दे पाया, और शायद वही संस्कार जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिए और आज हम उसको संजोए बैठे हैं, और आज भी उन्हीं संस्कारों को लेकर और संघ ने जो संस्कार हमें दिए हैं उसी को पकड़ कर हम आगे चल रहे हैं। और हमें विश्वास है, जैसे आज पूजनीय सर संचालक जी ने कहा, उसके पहले मैं एक बात और मुझे याद आ रही है कि आज से करीब 20 वर्ष पहले उस समय के पूजनीय सर संचालक सुदर्शन जी ने अपने मुखारविंद से कहा था कि 2011 आते आते एक गणित है, उसमें गणित का मैं समय विशेष नहीं लूंगा आपसे, उन्हें कहा था कि एक गणित है, उस गणित का भाग हो रहा था 2011 आते आते ये देश वापस अपने स्वर्ण काल की तरफ चल पड़ेगा। और 2014 में वो दिन आ रहा है, और अब 2023 आते आते हमें लग रहा है कि हम स्वर्ण काल की तरफ जा रहे हैं, विश्वगुरु बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और आज वही शब्द बहुत उनके पवित्र मुख से, पुण्य सर संचालक जी के पवित्र मुख से निकले हैं कि वो समय दूर नहीं है कि फिर भारत माता एक होगी, जो अखंड भारत को हम फिर से देख पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं, आज भी विषय निकला कि हमें कुछ जमीन का टुकड़ा दिया जाए। मैं फिर से अनुरोध करूंगा अपने भाइयों को कि जमीन का टुकड़ा लेके क्या करोगे, क्या पूरा का पूरा सिंध, आप सिर्फ सब्र रखिए, पूरा का पूरा सिंध आपके झोली में आ जाएगा। ऐसी संभावनाएं बनने जा रही हैं, और पूजनीय सर संघ चालक के पवित्र मुखारविंद से ये शब्द जाया नहीं जा सकते। जैसे सुदर्शन जी ने आज से 20 वर्ष पहले कहा था, आज पूजनीय सर संचालक के मुखारविंद से वही शब्द निकले हैं, और कुछ ही वर्षों में हम देखेंगे कि भारत फिर अखंड भारत की तरफ चल पड़े। पचहत्तर वर्ष एक बड़ा अरसा होता है, आओ हम अगले आने वाले 25 वर्ष की तरफ भी कुछ सोचें। हमारा समाज, मैं समाज को अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने 75 वर्ष तक इस भारत माता की सेवा करी है, आने वाले 25 वर्षों में
हम इस देश को उस हमारे जीवित रहते मैं तो कहता हूं इस देश को हम स्वर्ण काल की तरफ लेके जाएं, जैसे दूसरा समाज आज भारत की प्रगति में का लगा हुआ है, हमारा समाज भी प्रगति में लग जाए और इस देश को स्वर्ण काल की तरफ लेके जाए। मैं अपने इसी उद्बोधन के साथ अब वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय लदाराम जी। आपके जयकारे में वो बात नहीं दिखी, क्या खाना खाने के बाद सुस्ती आ गई बंधुओं? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अरे हैं तो होने का प्रमाण तो देना चाहिए ना। मातरम, जिनके बुधण लाए असा सब बेताब आए हूं, जिनको सुनने के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो पल आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी और उसके बाद परम पूजनीय जी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय शिवराज जी को, आए और अपनी बात रखें। माननीय शिवराज जी। आयो लाल सभी चयो, आयो लाल सभी चयो, असान जो है मुकालानी, असान जो है मुकालानी, भारत माता की, भारत माता की। अमर बलिदानी हेमू कालानी जन्म शताब्दी समारोह के इस कार्यक्रम के अवसर पर सौभाग्य से हमें मार्गदर्शन देने पधारे परम पूजनीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, मानी क्षेत्र संघ चालक श्री अशोक जी सोहनी, महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी, संत खिम्यादास जी अध्यक्ष राष्ट्रीय सिंधु सभा समाज, संत युधिष्ठिर लाल जी, संपूर्ण संत समाज उनको मैं प्रणाम करता हूं, आदरणीय लदाराम नागवानी जी, भगत राम छावड़ा जी, महेश जेठमलानी जी, मोहन मंगनानी जी, भगवान दास सबनानी जी, हमारे सांसद शंकर ललवानी जी, विधायक अशोक रोहिणी जी, आदरणीय मंच, वो हस्तियां जिनको आज सम्मानित करके हम स्वयं धन्य हुए हैं, और यहां उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, मोहिंजा प्यारा भावरो बहनरो और मोहिंजा प्यारा भाणे जाए भाणे जियू, तमा सबनी जो मध्य प्रदेश में दिल जी गहराई उन सा स्वागत करे रही हो आइया। आज सबसे पहले हम सब अमर शहीद हेमू कालानी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सिंधु सभा को, जिन्होंने ये जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया। केवल 19 वर्ष की उम्र में जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए हो, और मरते समय एक ही प्रार्थना की कि फिर से जन्म लूं और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ूं, और इसलिए उनके जन्म शताब्दी समारोह को मनाना ही हमारा धर्म है। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा, तोपों के मुंह से कौन अकड़, छातियां अपनी अड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वक्ष पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा, पूजे न गए ये वीर तो फिर ये बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। उनको प्रणाम। आज मैं इंदौर के उन भाइयों और बहनों को भी जो असमय काल के गाल में समा गए,
मैं इंदौर से होके आ रहा हूँ, रात से ही मैं वहां संपर्क में था, सवेरे गया, घटना स्थल पर भी गया था। हमारे कुछ भाई बहनों को हम बचा नहीं पाए, मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अत्यंत और प्राचीन महान राष्ट्र हमारा, हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति, अभी प्रदर्शनी का उद्घाटन परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने किया। मैंने भगवान दास जी से कहा कि जितने लोग आए प्रदर्शनी देख के जरूर जाएं, आप जरूर जाना, कितनी प्राचीन है हमारी संस्कृति। ऋग्वेद में उल्लेख है, सिंध अश्वों में समृद्ध है, सुनिर्मित आभूषणों में समृद्ध है, अन्न से समृद्ध है, सदैव नवीन ऊन से समृद्ध है, पौधों से समृद्ध है, पवित्र सिंधु के तटों पर मधु से भरे पुष्प खिले हुए हैं। वो अपनी संस्कृति, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्य, अपने महापुरुष, और महापुरुष भी हर क्षेत्र में, चाहे आप संत देख ले, मैं समस्त संतों को प्रणाम करता हूं, आप क्रांतिकारी देख लें, समय में अधिक नहीं लूंगा, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी को हम सुनेंगे, हमारे क्रांतिकारी, हमारे समाज सुधारक, हमारे समाज सेवी, हमारे उद्यमी, हमारे राजनेता, महापुरुषों की एक मालिका दी है सिंधी समाज ने। एक दर्द जरूर हमारे सीने में हमेशा रहता है, हमें अपनी जड़ों को छोड़ना पड़ा, लेकिन वो भी मैं आपको प्रणाम करता हूं इसलिए कि अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए आपने अपनी धरती छोड़ दी, अपनी धरती छोड़ दी, ये धर्म और संस्कृति के लिए छोड़े, और इसलिए आप सब सचमुच में अभिनंदनीय है। और आने के बाद कई बार मैं भाव विभोर हो जाता हूं, कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से हमारी कटनी में, जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में हमारे सिंधी समाज के भाई बहन आए, लेकिन परिश्रम और उद्यमशीलता में उनका कोई मुकाबला नहीं है। शून्य से शुरू किया, जीरो से शुरू किया, लेकिन जीरो से शुरू करके उन्होंने नया संसार रच दिया। मैं अपने बचपन की घटना सुनाता हूं। मैंने अपने समाज के एक भाई को पहले मॉडल स्कूल टीटी नगर के पास हाथ ठेले में कबीट, बेर और मूंगफली बेचते हुए देखा। कुछ दिनों के बाद वो हाथ ठेले के बजाय फुटपाथ पर दुकान उन्होंने लगाई, बाद में उनकी अपनी दुकान हो गई और वो दुकान अब बड़े व्यवसाय में परिवर्तित हो गई। ये चमत्कार सिंधी समाज ही कर सकता है। अपने ग्राहकों का आदर सम्मान, ज्यादा बेचो और उससे कमाई करो, अधिकतम बिक्री और न्यूनतम लाभ के सिद्धांतों पर चलने वाला ये सिंधी समाज हर संकट का सामना करके भी उठ के खड़े रहने की सामर्थ्य रखता है। मैं आज केवल इतना निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपने खान पान को ना भूलें। सिंधी कितनी मीठी भाषा है, आनंद आ जाता है सुनकर सचमुच। और मैं जो पारंपरिक खान पान भी देखता हूं, मेरी बड़ी दोस्ती है सिंधी समाज में, भगवान दास ही मेरे बचपन के मित्र, कई वर्षों से हम साथ काम कर रहे हैं। आज भी मिठो लोलो, कोकी, भौरी, माजून मिठाई, साटा, सिंगार जी बर्फी, दाल पकवान, सिंधी कड़ी चावल, बात ही अलग है। और इसलिए नौजवानों से भी मेरा कहना है, अपनी भाषा ना भूलें, अपना खान पान ना भूलें, अपनी संस्कृति ना भूलें, अपने महापुरुष ना भूलें, जड़ों से जुड़े रहें। केवल एक बात और कहते हुए, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे सिंधी समाज के मित्रों ने ये कहा कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी जो करनी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो जब भी आवश्यकता पड़ी, महाराज जी शंकर ललवानिया बैठे हैं सांझ, सिंध से हमारे वो भाई बहन
जिनके वीजा की अवधि समाप्त हो गई थी, मुझे मिले, ये लेके आए शंकर ललवानी इंदौर एयरपोर्ट पर, और वहां पुलिस के अफसर और बाकी प्रशासन कह रहा था अवधि पूरी हो गई, ये वापिस जाएंगे, लेकिन मेरी बेटियों की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा जान भले ही चली जाए, अब हम लौट के वहां नहीं जाएंगे जहां पाकिस्तान राज, नहीं जाएंगे वहां लौट के जाएंगे। तो मैंने वहीं बुला के कहा था कलेक्टर एसपी को, वीजा की अवधि समाप्त हो जाए तो हो जाए, ये यहीं रहेंगे, यहां से नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि अब तो नागरिकता प्रदान करने का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है मेरे बहनों और भाइयों। लेकिन उसके अलावा भी आपने सिंध छोड़ा होगा, लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं सारा हिंद आपका है, सारा हिंदुस्तान आपका है। अभी जब हम बात कर रहे थे तो मुझे जो भारतीय सिंधु सभा ने ज्ञापन दिए, अलग अलग कुछ चीजें चाहिए, केवल उनका मैं उल्लेख करूंगा। आपने कहा मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में सिंधुपति सम्राट महाराजा दाहिर सैन, क्या क्या सम्राट थे, अंतिम हिंदू सम्राट, और उनकी दोनों बेटियों ने कैसे युक्ति और बुद्धि से शत्रुओं को परास्त किया था हम सब जानते हैं। तो आपने कहा उनकी हेमू कालानी जी और अमर शहीद भगत कंवर राम जी का जीवन परिचय पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किया जाए, मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में इनके जीवन चरित्र सम्मिलित किए जाएंगे। एक सिंधु नदी के किनारे ये हिंदू सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई, एक कार्यक्रम सिंधु दर्शन का पहले 2018 के पहले उसके लिए अनुदान देते थे, वो भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया था, लेकिन बीच में सरकार चली गई, फिर कोविड आ गया, तब से वो बंद हो गया। अब फिर से हम फैसला कर रहे हैं, इसी मई के गर्मियों में ही होता है सिंधु दर्शन का कार्यक्रम, जून में, तो जून में अब जो भी हमारे भाई बहन या बेटे बेटी सिंधु दर्शन के लिए जाएंगे, 25,000 रुपया अनुदान प्रति तीर्थ यात्री दिया जाएगा। हमारी भाषा लगातार समृद्ध होती रहे इसे सिंधी साहित्य अकादमी का गठन हुआ, लेकिन बजट थोड़ा कम है मुझे बताया, तो मुझे इसमें लिखा है कम से कम 5 करोड़ तो कर दो, तो ठीक है 5 करोड़ कर देते हैं, सिंधी के लिए 5 करोड़ कौन सी बड़ी बात। एक और बात मुझे कही कि प्रदेश के सिंधी बाहुल्य क्षेत्रों के मुख्य मार्गों चौराहों के नाम अमर बलिदानी हेमू कालानी जी के नाम पर, हमने पिछले दिनों ही फैसला किया उनके जन्म दिवस के अवसर पर कि भोपाल में मनुआ भान की टेकरी पर अमर शहीद हेमू कालानी जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। और इसके अतिरिक्त भी जबलपुर इंदौर में भी हम फैसला करेंगे कि कौन सा उपयुक्त स्थान है जहां अमर शहीद हेमू कालानी जी की प्रतिमा स्टैचू लगाया जाए, ताकि वो हमें प्रेरणा देते रहें। एक बात और मेरे मन में है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और वो ये है कि हमारी संस्कृति सम्राट दाहर सेन से लगा के आज तक, मैं एक एक महापुरुष के नाम नहीं ले रहा, संतों के नाम नहीं ले रहा, यहां प्रदर्शनी में सब है, लेकिन अगर एक स्थान ऐसा हो जाए, प्रदर्शनी तो अस्थाई है, आज फिर ये हट जाएगी, प्रदर्शनी लगानी पड़ती है, लेकिन हम मध्य प्रदेश में आपसे चर्चा करके एक ऐसा संग्रहालय बनाएंगे जहां सम्राट दाहिर सैन से लगा के आज तक के हमारे जो महापुरुष हैं उनका जीवन चरित्र सिंधु सभ्यता और संस्कृति को दर्शाया जाए, ऐसा सिंधी संस्कृति का संग्रहालय मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, आपके साथ विचार विमर्श करके। और अंत में एक कष्ट है हमारा, एक दर्द है हमारा जो कभी कभी हम व्यक्त करते हैं, वो है सिंधी पट्टों की समस्या का समाधान। कई दिनों से ये बात चल रही है और मांगते हैं प्रमाण कि कोई सबूत लाओ, प्रमाण लाओ, अब कई तरह के सबूत और प्रमाण नहीं है। आज मैं
एक साथ, चाहे कटनी हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, कोई भी शहर हो, आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि हम 1614 वर्ग फीट के जो मकान बने आवासी में, भोपाल की कीमत अगर उसकी बताऊं, जो उसकी गाइडलाइन रेट है तो वो है 1,08,00,000। अब हम इसको केवल 1% मूल्य लेके और ये पट्टे स्थायी रूप से दे देंगे, वैधानिक अधिकार आपका हो जाएगा। अब 1,08,00,000 के आपको 1,08,000 देना पड़ेंगे। 2,152 वर्ग फुट का आवासीय अगर प्लाट है तो भोपाल सीहोर मार्ग पे उसकी कीमत 1,44,00,000 है, वो 1,44,000 में दे के परमानेंट आपका वैधानिक अधिकार हो जाएगा। और 215 वर्ग फुट की जो व्यावसायिक दुकान है उसके केवल 72,000 रुपया लेंगे। और मैं ये नॉमिनल राशि इसलिए कि हम बाकायदा वैधानिक अधिकार दें, ये भीख नहीं है, ये आपका अधिकार है मेरे बहनों और भाइयों। बोलिए सब तैयार हैं? सब तैयार हैं तो ये देने का फैसला करें। आज ही इसके आदेश निकालने की मैंने व्यवस्था कर दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक बार मैं फिर अमर शहीद हेमू कालानी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबका यहां फिर स्वागत करता हूं। हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी, जिनके शब्द हमें प्रेरणा भी देते हैं और सही दिशा भी देते हैं, उनका मार्गदर्शन हम सुनेंगे। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, अमर शहीद हेमू कालानी की, आयोलाल सवई चयो, आसान जो हेमू कालानी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। ॾिसो ॿुधंदा से एक पंथ दो काज, तव्हां हिकु हेमू कालाणी जे प्रति श्रद्धा खणी आया ऐं हिकु पंथ करे आया, केतिरी झोली भरे सौगातूं तव्हांखे मिली वयूं। छपर फाड़े करे तव्हांखे माननीय मुख्यमंत्री जी जेको ॾिनो आहे, ज़ोरदार तालियुनि सां हुननि जो धन्यवाद अदा कयो। पाठ्यक्रम में बि असांजा संत महापुरुष अची विया, अकादमी जी बजट जी बि चिंता परे थी वियव, संग्रहालय सुहिणो ठहण वारो आहे, पटनि जी समस्या जे लाइ बि तव्हांखे वादो करे चुका आहिनि, त हाणे जल्दी उहो कमु बि पूरो थींदो। तारियूं वॼाए स्वागत त कयो भाई, धन्यवाद त ॾियो, ईअं ईअं न थियो न, ज़ोरदार तारियुनि सां। इस पूरे परिसर में एक प्रयास भारतीय सिंधु सभा ने किया है कि इसे प्लास्टिक फ्री जोन बनाए, ऐसा हम सबके मन में था, इसलिए पेयजल भी हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि केवल मटकों के माध्यम से, कांच की बोतल के माध्यम से हो, ना के बराबर कुछ लोगों ने अपने व्यवस्था से पानी की बोतलें लाई हैं। इस दिशा में हम सभी आगे बढ़ें, युवा बंधु आगे बढ़ें, पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, ऐसा संदेश देने का प्रयास यहां से किया गया है। हम सिंधियों की एक विशेष बात है कि हम धर्म और समाज के लिए जीने की भावना जन्म से ही लेकर आगे बढ़ते हैं, और यही भावना हमारे संगठन गीत में भी परिलक्षित होती है। परम पूजनीय जी के मार्गदर्शन, उनके आशीर्वचन से पूर्व मैं अशोक अग्नानी जी से आग्रह करता हूं कि अपना संगठन गीत प्रस्तुत करें, और उसके बाद परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से आग्रह है कि आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। अशोक जी, भारत माता की, भारत माता की जय, झूलेलाल। प्यारा भावरो, पिछले 6 महीने का वठी सजे देश जी हिकरी आवाज आए, जय झूलेलाल ऐं हलो भोपाल। धन्यवाद आए मध्य प्रदेश ऐं भोपाल जी सिंधी भावरनि भेनरुनि खे, जे देश भर में पखड़ियल सिंधियुनि खे भोपाल में एकत्रित कयो आए, ऐं हिंद में सिंध जो नज़ारो ॾेखारण जो नज़ारो पेश कयो आहे, उन्हनि जो अभिनंदन आहे, वंदन आहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अनुसांगिक संगठन भारतीय सिंधु सभा,
देश भर में जिन 350 शाखाओं हैं ऐसा जी हर बैठक में शुरू थियण का पेणी अंत में देशभक्ति जो गीत गाइंदा आयूं मां चाहिंदस कि मंच से सम्मानित सभी असांजा कार्यकर्ता बंधु संत मेहमान जेके हैं एतरे वडे पंडाल में अगर मूसा गड दोहराइंदा तो ये आवाज सजे देश में गूंजंदी मां चवंदस इता दोहराइंदा धर्म लाए जीऊं असी समाज लाए जीऊं असी धर्म लाए जीऊं असी समाज लाए जीऊं असी ई धड़कनू ही साहबी कुर्बान कयूं था सी गर्व सा सभई चऊं सिंधी आयूं हिंदू आयूं देश धर्म संस्कृति खे अज असी वरी बचायूं स्नेह भावना रखी कदम वधायूं था असी धर्म लाए जीऊं असी कोटि कोटि कंठ सा हिंदू धर्म गर्जना संगठन जी शक्ति सा मातृभूजी अर्चना संग शक्ति कलयुगे दिल में धार्यू वरी धर्म लाए जीऊ असी हर सिंधी में जागे समाज भक्ति भावना व्यक्ति के समाज सा जोरण जी साधना एकता जे मंत्र जो जाप कयूं था असी धर्म लाए जीऊं असी एक दिव्य ज्योति सा असंख्य दीप बरन था झूलन जो आसरो वठी सिंधी सब्जियन था सिंधियत जी ज्योत खे बरंदर सदा रखूं असी सिंधियत जी ज्योत खे बरंदर सदा रखूं असी धर्म लाए जीऊं असी समाज लाए जीऊं असी ई धड़कनू ही साहबी कुर्बान कयूं था असी धर्म लाए जीऊं असी जय झूलेलाल सभी परम श्रद्धेय पूज्य संत चरण आदरणीय मुख्यमंत्री जी माननीय क्षेत्र संघ चालक जी मंचस्थ उपस्थित सिंधु सभा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण सिंधी समाज में अनेक प्रकार के विक्रम करने वाले सभी मान्यवर उपस्थित सज्जन माता भगिनी मुझे जब बताया गया कि 31 तारीख को अमर शहीद हेमू कालानी जी के स्मृति शताब्दी निमित्त कार्यक्रम का आयोजन भोपाल में होगा उसमें आपको रहना चाहिए
तो मैंने हाँ कहने में एक मिनट भी नहीं लिया। क्योंकि एक तो अपने देश के लिए प्राणार्पण करने वाले युवक का स्मरण है और दूसरी बात है कि वह युवक अपने समाज के सिंधी बंधुओं से आता है। क्योंकि अपने देश के नाम से सिंध का संबंध है और सिंधी समाज का योगदान प्राचीन समय से अब तक देश के जीवन में बराबरी कर रहा है, बाकी सबके बराबरी का, परंतु उसका उल्लेख कम होता है, उसका स्मरण कम रहता है। और उसका स्मरण कभी कभी लगता है कि अपने सिंधी समाज के नई पीढ़ी में भी कम हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसलिए ऐसे कार्यक्रम में सहभागी होना अपना कर्तव्य है। भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष चल रहा है। भारत के हित में प्राणार्पण करने वाले सभी शहीदों का हम स्मरण करते हैं। उन्होंने अपने प्राण अर्पण किए, तरुण आयु में ही अनेक लोग चले गए, दुख तो होता ही है। अभी इंदौर की घटना का उल्लेख हुआ, सबको दुख है। कल मैं गंगा तट पर था जिस समय ये वार्ता सुनी, मैंने मन ही मन उनके नाम से गंगा जी को नमस्कार किया। श्रद्धांजलि के क्या विधि होते मैं नहीं जानता, लेकिन मन ही मन मैंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पण की और आज यहां भी हमने सबने उनका स्मरण किया। अपने से बिछुड़ने का दुख सबका होता है, सबको होता है, लेकिन विधि विधान के सामने किसी की कुछ चलती नहीं। लेकिन शहीदों ने ऐसा इतिहास रचा कि स्वयं मौत का सामना जाकर किया। वो जानते थे, शहीद हेमुकालानी जानते थे जो कर रहे उसके परिणाम क्या होंगे अगर पकड़े गए तो। रेल की पटरी उखाड़ने गए क्योंकि सिंध होके बलूचिस्तान उस गाड़ी से शस्त्रास्त्र सैनिकों के लिए जा रहे थे, वहां के स्वतंत्रता आंदोलन के को दबाने के लिए। वहां वो संहार न हो इसलिए उस गाड़ी को ही डिरेल कर देना, ऐसा हो गए थे। तीन लोग थे, दो लोग पलायन करने में यशस्वी हो गए, ये पकड़े गए। 19 साल की आयु थी, उनको उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन जब उस इलाके के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये केस गया तो उसने अपने अधिकार में न्याय से जो उम्र कैद मिली थी उसको मौत में बदल दिया। बहुत लोगों ने प्रयास किया ये न हो, परंतु माने नहीं। धाक जमानी थी अपने सत्ता की तो देशभक्तों का सिर कुचलना आवश्यक था और इसलिए मौत भी सजा पर वो कायम रहे। इधर हेमुकालानी जी को बहुत लोगों ने कहा कि साथियों के नाम बता दो तो हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुम्हारी सजा में कम करेंगे, वो अड़े रहे। मौत के सामने भी उनका निश्चय नहीं डिगा और अपने तरुण आयु में अपने जीवन की सार्थकता देश के लिए बलिदान होने में है ऐसा मानकर उन्होंने अपना प्राणार्पण किया। तरुण आयु में उनके जाने का दुख तो होता है, उस समय भी हुआ था, स्तब्ध रह गए थे लोग, परिवार के लोगों के शोक का तो क्या वर्णन करें, लेकिन संपूर्ण उत्तर के उस इलाके में एक शोक की लहर मुंबई रेसिडेंसी से के लेकर तो आगे तक दौड़ गई थी, निषेध हुआ था सरकार का। आज भी ये सुनते हैं तो एक कोना मन में कहता है कि 19 साल की आयु में
एक खिलती हुई कली, उसका जीवन, वहां भी दुख होता है लेकिन वहां से प्रेरणा भी मिलती है। हम लोगों को जीवन की राह बताकर उन्होंने अपना जीवन दे दिया। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, जो तंत्र था वो विदेशी तंत्र था, विदेशी लोग राज कर रहे थे, विदेशी लोगों का राज नहीं चाहिए, अपने लोगों का राज चाहिए, उसको कहते हैं स्वराज्य। और अपने लोगों का राज चाहिए वो अच्छा राज्य होना चाहिए, सुराज होना चाहिए, इसलिए उस राज्य में इन शहीदों जैसा ही समर्पण रखने वाले, प्रामाणिकता रखने वाले, अपने देश बांधवों के दुख के प्रति संवेदना रखने वाले ऐसे लोग होने चाहिए। वैसे ही जो तंत्र चलता है उसकी जो दिशा है, उसके पीछे जो विचार है, वो हमारे अपने लोगों के प्रकृति संस्कृति से मेल खाने वाला होना चाहिए। ये इच्छा रखकर उन्होंने अपने प्राण दिए, इस विश्वास के साथ कि हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारे जाने से और 5 कदम स्वतंत्रता नजदीक आएगी, करते करते एक दिन मिल जाएगी, हम रहेंगे नहीं लेकिन भारत रहेगा। मैं विचार करता हूं कि इस आदर्श को मन में लेकर सब शहीदों ने भगत कंवरराम सिंह जी, गवरराम जी से तो ऐसे सब शहीदों तक, या कहिए कि राजा दहार से ऐसे सब शहीदों तक, ये बलिदान क्यों हुए? अपने स्व को बचाने के लिए हुए। और जब ये बारी आई हमारे दुर्भाग्य से कि आप या तो भारत रहो, सनातन परंपरा में रहो, भाषा भूषा भजन भवन भ्रमण भोजन सब में अपने प्रांतीय भारतीय वैशिष्टों का जतन करके रहो, तो यहां से चले जाओ, यहां नहीं रह सकते, यहां तो अब हम कहेंगे वैसा चलेगा। 2 में से 1 चुनने की बारी आई तो आप लोग पराक्रमी लोग हो, आपने भारत को नहीं छोड़ा, आप भारत से भारत में आए। जब आप वहां थे तब वहां भारत था, उस भारत को छोड़ने के बजाय उस भारत सहित आप इस भारत में आए हैं, यह अपना देश है। अब एक ही बात है, हमने उस जमीन को शारीरिक दृष्टि से छोड़ दिया लेकिन 1947 के पहले वो क्या था, ऐसा दुनिया में कोई पूछेगा तो बताना पड़ेगा कि वो भारत था। जब दूसरा कुछ नहीं था, सारी दुनिया में सनातन का प्रभाव था, उस समय वहां क्या था? वही भारत था, सिंधु संस्कृति थी, वेदों के उच्चारण होते थे, भारतीय संस्कृति के त्याग के मूल्यों पर चलने वाला जीवन चलता था। हमको भारत को बसाना है, भारत खंडित हो गया तो खंडित शरीर तो रह नहीं सकता ना, जोड़ना पड़ता है। तो हमने उस भारत को अपने पैरों तले से छोड़ दिया, इधर चले आए, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम मन से उसको छोड़े। क्योंकि हमारे साथ उस भूमि का जुड़ाव, केवल सिंधी भाषिकों को नहीं कह रहा हूं मैं, भारत के साथ उस भूमि का जुड़ाव, सनातन धर्म संस्कृति हिंदू समाज के साथ उस भूमि का जुड़ाव, ये तो नाम से ही शुरू होता है। हिंदू क्यों कहा जाता है, हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, उसका कारण सिंधु नदी है।
सिंधु नदी का प्रदेश है। हम कैसे भूल सकते हैं भाई, हम अगर अपने आप को भारत कहे तो सिंधु सभ्यता को नहीं भूल सकते, वहां से अभी के इतिहास को वहां तक का तो मालूम है पक्का, हम तो उसके भी पहले जाते हैं। तो हमारे महाभारत में, हमारे रामायण में वहां के उल्लेख मिलते हैं, वहां के राजा, वहां की प्रजा, सबका वर्णन मिलता है। सिंधु नदी के सूक्त वेदों में है, यहां प्रदर्शनी में है पूरा सिंधु सूक्त, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, ये नाता हम कैसे तोड़ सकते हैं, हम उसको नहीं भूलेंगे, हम उस सिंधु को नहीं भूलेंगे, हम उस सिंध प्रदेश को नहीं भूलेंगे, हम अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भजन, अपना भोजन, अपना भवन कैसा था, कैसे रहते थे, और अपना भ्रमण कहाँ कहाँ जाते थे, किन तीर्थों की यात्रा करते थे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये विभाजन कृत्रिम है, ये तो पक्की बात है, इसके लिए कोई विवाद नहीं चल सकता, क्योंकि वो इतिहास में है। एक व्यक्ति को लाया गया सीमांकन करने के लिए, वो जानता नहीं था और उसके पास केवल 3 महीने थे, तो पूरा करके काम जाते समय उसने कहा कि देखो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं कैसा करना, मेरे पास समय भी नहीं था, 2 महीने किया है वो क्या किया है मैं भी नहीं जानता, ऐसा ये विभाजन है और कृत्रिम है। उस समय योगी अरविंद ने कहा था कि इसको जाना पड़ेगा, आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई, ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। आप देखिए जो अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हुए, पूर्वजों का नाता तोड़ के उनको भुला दिया गया, ऐसे जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया और जो भारत से अलग हो गए, क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस क्षण तक सुख में है, वो दुख में है। उस अपने भूमि को छोड़कर भारत के साथ रहने के लिए यहां जो आए, उन्होंने अपने जीवन को अपने पुरुषार्थ से फिर से खड़ा कर लिया, वो आज दुखी नहीं है, वहां दुख है। क्यों है? क्योंकि एक कृत्रिम जीवन में जी रहे। सत्य जीवन का अंगीकार करना, अगर वो गलत है तो गलती का सुधार तो यही हो सकता है, तो उसकी बात करने में क्या लज्जा है, वो सही है और जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता है और जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तैयार रहिए, कैसे होगा क्या होगा मैं नहीं जानता, मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है, हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है, हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है, वो तो हम करते हैं करेंगे, लेकिन मन आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है, जो अभी धीरे धीरे जा रहा है, वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है, होगा। उस समय वहां से अपने भारत को साथ लेकर जो आए, उनको ये काम करना पड़ेगा, वहां फिर से उस भारत को बसाना पड़ेगा, भारत से ही भारत में आ पाए, सारा भारत अपना है, और जहां था आज नहीं है वहां बसाना पड़ेगा, तब हमको वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो यही पैदा हुए, जैसे मैं नागपुर में, हम उधर भारत किस रूप ने आपने स्थापित किया था हम नहीं जानते, वो वहां के जमीन के अनुकूल था, जब फिर से बारी आएगी आप दोनों तरफ का भारत जानते हो, आप वहां भारत को बसा सकते हो। और इसलिए पहली आवश्यकता है, शहीद हेमू कालानी का हम स्मरण करते हैं तो
उनके जीवन की प्रामाणिकता को ध्यान में रखना, उनके जीवन की अकूत देशभक्ति को ध्यान में रखना और अपने देश के हित में, अपने समाज के हित में छोटे संकुचित स्वार्थों को छोड़कर सारे देश के साथ तन्मय एकाकार होते हुए सर्वस्व त्याग के लिए उनकी जो तैयारी थी उसको ध्यान में रखना, वैसा होने का प्रयास करना, यह पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है कि ये जो भारत है वो भारत केवल जमीन का नाम नहीं है, सिंध केवल जमीन का नाम नहीं है, आज भी उस जमीन का नाम वही ही कहते हैं, उसको सिंध ही कहा जाता है, लेकिन वहां सिंध है क्या तो हम लोग कहेंगे नहीं है। सिंध का एक स्वभाव है, सिंध की एक परंपरा है, सिंध का एक इतिहास है, सिंध की उस इतिहास को कहने की एक भाषा है, अपने संस्कृति को प्रकट करने के कुछ रीति रिवाज है, वो सारा कायम रखना, उसको नहीं भूलना। अपने घर में अपना भजन चले, अपने घर में अपना पूजन चले, अपने घर में अपनी सनातन परंपरा का गौरव बना रहे, उसकी जानकारी रहे, उसका आचरण चलता रहे। जमीन से उखड़ गई इसलिए कोई भी आके इधर से उधर ले जाए, ऐसे नहीं चलेगा। हम अपनी खुदी को बनाए रखें, इसके लिए विशेषकर जो उस समय थे और इधर आए उनको तो सब पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इधर आने के बाद यहां पर जिनका जन्म हुआ वो उस लगाव को नहीं जानते, उस लगाव को तोड़ने पड़ने का दुख नहीं जानते, उनको यह समझाना पड़ेगा, उनको दर्द से आहत करने की जरूरत नहीं लेकिन उनको उस अपनत्व से भरना पड़ेगा, उनका लगाव वहां होना पड़ेगा, वो भूल ना जाए हम कौन थे, कौन है, कौन बनना है हमको। और इसलिए सारे समाज के साथ कदम से कदम बढ़ाना, ये ध्यान रखना। अनेक भाषा, अनेक देवी देवता, अनेक पंथ संप्रदाय, खान पान, रीति रिवाजों को सदियों से जोड़कर एक समाज एक देश के नाते चलाने वाली अपनी सनातन परंपरा, वो हम सबके लिए है, इसलिए उस पर लांछन लगाना और हमको एक दूसरे से अलग करके आपस में लड़ाना, ऐसा करने वाले लोग हैं, उनसे बचना है तो अपनी मेमोरी, अपना स्मरण, ये पहला उपाय है। दूसरा है जब ऐसा कुछ होता है तो संभालना, लोगों को झगड़े में उकसाना, इसमें तोड़ने वाले शक्तियों की विजय है। उकसावा कितना भी बड़ा हो, हम अपनों की पहचान करते हैं और शांति से संभालने का काम करते हैं तो ऐसे कुटिल षड्यंत्र असफल होते हैं। हमको उनको असफल करना है, उनके चंगुल में फंस के उनकी चाल नहीं चलना है, उनका खेल नहीं खेलना है, ये ध्यान में रखना। हम सिंधु है इसका मतलब हम हिंदू है, हम पूरा हिंदुस्तान है, इस समाज के अंग है, इस समाज के साथ कदम से कदम मिलाप कर चलेंगे और इसमें ये सब लोग हैं, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्व इस स्व के लिए हेमू कालानी शहीद हुए थे, केवल यहां से अंग्रेज जाए और अपने लोग कुर्सी पर बैठे, इतनी छोटी बात नहीं थी, वो तो प्रांतीय सरकारों में बैठना शुरू हो गया था, काउंसिल पर भारत के लोग चुनकर उस समय भी जाते थे, परंतु स्व का मतलब होता है इस स्व के आधार पर जो विविधता में एकता के आविष्कार को देखता है और उस एकता के लिए सब कुछ सहन करता है, सर्वतोपरि संघर्ष करता है, विजय उसके लिए होता है और कभी छोड़ना पड़े तो उसके लिए छोड़ता है। वो जो हमारा सनातन संस्कृति की परंपरा का प्रवाह है उसके लिए, उस स्व के लिए ये हमारे सारे शहीदों ने बलिदान किया है, उनके अधूरे स्वप्नों को साकार करने का अपना काम है,
और आज तो समय ऐसा है कि सारी दुनिया को ये विचार चाहिए। इस विचार के आधार पर अपने अपने देश को खड़ा करना सब लोग चाह रहे हैं। ऐसे समय में अपने देश के हमारे सहित सब लोगों ने उसका एक प्रतिमान दुनिया को देना चाहिए। स्व का सच्चा अर्थ ऐसा है, डॉक्टर हेडगेवार में ने 1920 में नागपुर में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस हुई थी, उसके व्यवस्था प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार थे, सह व्यवस्था प्रमुख थे, और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था। उस प्रस्ताव में क्या विजन था? वो विजन ऐसा था कि संपूर्ण स्वातंत्र्य, इसको कांग्रेस अपना ध्येय घोषित करे और ये भी करे उसमें कि स्वतंत्र भारत बड़े पूंजीवादी देशों के चंगुल से संपूर्ण दुनिया के देशों के मुक्ति के प्रयासों में सहभागी होगा। भारत के लिए सोचने वाले, भारत के स्व के लिए सोचने वाले हर व्यक्ति के मन में पीछे विचार था, भारत को स्व पर खड़ा होकर बड़ा क्यों होना है, संपूर्ण दुनिया को कल्याण का मार्ग दिखाना है। इतना बड़ा ध्येय लेकर उसके पहले पायदान पर हम कदम रख सके, इसलिए ऐसे नवयुवक फांसी गए, शहीद हो गए, कितने लोगों के परिवार बर्बाद हुए, कितनों ने आजीवन जेल काटी, उसकी कदर कैसे करना है? उनका स्मरण तो करना ही है, उनके गुणों का अनुकरण करना है, परंतु हम भारत को ऐसा देश बनाएंगे, भारत के समाज को ऐसा समाज बनाएंगे जो इस स्व को अपने जीवन के सब क्षेत्रों में उजागर करेगा और इस प्रकार की एक बात दुनिया के सामने रखेगा, देखो इस प्रकार से किया जा सकता है, आप भी इस मूल तत्व को ले और अपने प्रकृति के अनुसार अपनी देश की रचना करो, ऐसा हम कह सके, ऐसा विश्व गुरु भारत गढ़ना है। और चूंकि आदिकाल से, ठीक है ये सुन लीजिए, आदिकाल से इस देश के प्रगति के प्रथम कदम से उसमें सिंधु और सिंध का सहभाग रहा है, आज भी वो आप लोगों की ओर से होना पड़ेगा। आपकी समस्या क्या है, आपकी आपने बताई, कुछ आपकी बातों को हल करके आपको कुछ सुविधाएं देने का ऐलान मुख्यमंत्री श्री ने यहां पर किया है, ये चलता रहेगा, मांगे रहेगी, पूरी होगी, कुछ रह जाएगी, फिर से करना पड़ेगा, फिर होगा, धीरे धीरे होता है। 140 करोड़ का देश बनने वाला है अपना देश, उसमें संसाधन वगैरह वगैरह सारे देख दाग के बांटने पड़ते हैं, तो उसमें कुछ लोग रह जाएंगे, अगली बार होंगे, ये सब चलता रहेगा, लेकिन ये चले ना चले एक बार चलती रहनी चाहिए, संपूर्ण दुनिया को सुख शांति देने वाला भारत चलते रहना चाहिए। उस भारत के आदिकाल से उसके इतिहास में सिंधु प्रदेश और वहां के रहवासियों का कर्तृत्व है, वो जब तक बरकरार रहता है तब तक आप मान लीजिए कि सिंध, सिंधु और सिंधी रहेगा, बढ़ेगा, चमकेगा। जो प्रयोजन भगवान ने अपने विश्व में उत्पत्ति का दिया है, उस प्रयोजन के साथ हम चलेंगे, तब तक हम है, बढ़ते रहेंगे, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन हम कभी मिटेंगे नहीं, हमारी हस्ती कभी मिटती नहीं, उसका ये कारण है, हम अपने स्वार्थों के साथ नहीं रहते, हम अपने अहंकार के साथ नहीं रहते, हम इस विश्व के सारे नाटक में हमारा कहां प्रयोजन है, उस प्रयोजन के साथ चलते हैं। मेरा सारे संत चरणों में नम्र निवेदन है कि सारे सिंधी समाज को, विशेषकर नई पीढ़ी को, उसका भान हो, उस प्रयोजन को वो छोड़े नहीं, छोटे मोटे आकर्षक बातों के लिए अपना रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पर भटके नहीं,
इसकी चिंता करके उनका प्रबोधन कीजिए तो मेरा विश्वास है, और किसी को भी होगा। सब कुछ गंवाकर शरीर पर कपड़े लेकर दुनिया में किसी को निराश्रित छोड़ दिया तो वो शरणार्थी कहा जाता है, लेकिन पुरुषार्थी होता है और बड़ा बनता है। ये प्रत्यक्ष देखने को कहाँ मिलता है? सिंधी समाज में देखने को मिलता है। इसलिए विश्वास की क्या बात है, आंखों के सामने हाथ कंगनी को आरसी क्यों चाहिए? आप ऐसे हो, आप ये करिए, सब ठीक चलता रहेगा। और आप ये करेंगे तो उस राह पर अपनी जितनी ताकत है उस ताकत के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको अपने शक्ति अनुसार सहायता के लिए सदा तत्पर मिलेगा। मुझे लगता है आज इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, समझदार लोगों को इशारा काफी है। इशारा समझिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। आप सभी के लिए कुछ सूचनाएं हैं, चंद पल और दीजिए। बहुत कुछ आपने लिया है और इशारों में बहुत कुछ आपको मिल भी गया है। परम पूजनीय जी ने जिस स्व के भाव का आह्वान युवाओं में जगाने का किया है, युवा पीढ़ी उसे अवश्य समझेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सूचनाएं हैं कि प्रदर्शनी कुछ ही देर बाद सभी के लिए खोल दी जाएगी, जो देखना चाहें अवलोकन कर सकते हैं। जिन लोगों ने भोजन नहीं किया है वे भोजन करने के लिए भोजन पंडाल में कार्यक्रम समाप्ति के बाद जा सकते हैं। सिंधी साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित अमर बलिदानी हेमू कालानी की जीवन गाथा सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में निःशुल्क सभी के लिए वहां उपलब्ध है। अन्य साहित्य भी है और हेमू कालानी का प्रतीक चिन्ह वो भी आप सभी के लिए निःशुल्क सामने उपस्थित है। आभार से पूर्व हम सबके मध्य देश के कोने कोने से आए कलाकार परम पूजनीय जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक चित्र की अपेक्षा रखते हैं, और उनमें एक गायक कलाकार है, अंकुश फिल्म में प्रार्थना गाने वाले घनश्याम वासवानी जी, जिन्होंने गाया था इतनी शक्ति हमें देना दाता। सभी कलाकारों से आग्रह है मंच पर आए, और इसके बाद हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय भगत राम छाबड़ा जी से आग्रह है कि वे सभी का आभार प्रदर्शन करें। आखिर में आभार जो कम माट है होडे फोटो सेशन चालू रहंदो ता मेहरबानी करे थोड़ो अन्या थोड़ो समय दियो। आज जे इने कार्यक्रम में उपस्थित परम पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन जी भागवत, क्षेत्रीय संघ चालक जी श्री अशोक जी सोनी, महामंडलेश्वर साई हंसराम जी, सिंधी साधु समाज जा अध्यक्ष श्री खिम्यादास जी, शदानी दरबार जा पीठाधीश्वर साईं युधिष्ठर लाल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान, अन्य मांजा साथी कार्यकर्ता और इन कार्यक्रम ला उपस्थित भावरों और भेनरों, 10,000 साल अगु जिन सिंधिन अनाज जो उत्पादन कयो, 5,000 साल अगु जिन मोहन जो दड़ो जो इतिहास असेंगे सजे दुनिया के बुधाय, उन सिंधी समाज जो जैमल 1947 में 30% हिंदू समाज जो 95% व्यापार और 70% जमीन हुई, उन सभिन के सिंधिन के माखे याद आज जो ये समुदाय मां दिसांदो पियो। 1947 में संघ जा द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरु जी उन्होंने हिंदुन के हिमथायो जगायो, हिन्हीं ही भारत सा उन्हें जोड़ने की कोशिश कई। अज जे हिन्हीं स्थिति में जो अस सिंधी समाज आ उन सिंधी समाज के जागृत करे अगते वधने लाय जिन असांगे हाने उद्बोधन कयो उहे साई परम पूजनीय श्री मोहन जी भागवत। इन्हें बिन्हीं जो
भारतीय सिंधु सभा तरफों मां आभार तो मना मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान पांजो समय दई करे इत आया समाज ला विविध घोषणाओं क्यों उन्हें जो भी आभार संत जे असांजे अमर बलिदानी हेमू कालानी साहब जो जन्म शताब्दी समारोह असा मनाए रहा हूं हिंदुस्तान जे कुंड कुर्छ में केतरा भावर भेनर इतने मौजूद हैं पुठिया छिंदवाड़ा जी टीम तैयार है पंजो परफॉर्मेंस देने लाए मंच ते बे जेके भी आर्टिस्ट हैं मेहरबानी करे हेठी वन छिंदवाड़ा जा आर्टिस्ट इंदा पंजो परफॉर्मेंस इंदा उन्हें खा पो असा नील तलरेजा के बुदंदासी दोस्तों असा सिंधी 70,000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता जा वारिस आयूं सिंधु घाटी जी सभ्यता जा वारिस आयूं और सिंधु नदी जो मिठड़ो पानी पी करे असांजे बुजुर्गन असांखे पालियो असांखे पोसियो अज भी असांजे खून में सिंधु नदी जी धारा वहंदी आहे ता सिंधु नदी ते आधारित ही एकड़ो डाढ़ी खूबसूरत प्रस्तुति छिंदवाड़ा जा कलाकार खणी आया है जोरदार ताड़ियों से उन्हें स्वागत कंदासी इन विच में तवा दिसी ता सगो के अंदर सरसंग चालक परम पूजनीय सरसंग चालक जी अंदर असाजे सिंधी समाज जे संतन सा चर्चा करे रहा है छिंदवाड़ा ग्रुप साथियों सा दिसी ता सगों कि हिन सभागार में जिते लखे मानू वेठा हैं हजारन में मानू वेठा हैं केडो ना जोश आहे उत्साह आए और सब ही पहंजे पहंजे नमूने पहंजे खुशी जो इजहार करे रहा हैं असा चाहिंदासी कि थोड़ो सो हाणे असा मंच जी तरफ ध्यान दियूं एक बेरो वरी निमाणी वेनती कि पहंजी पहंजी जगहों ते व्यवस्थित तरीके सा वेहूं अना फूड जोन में असाजा जेके मानू रोटी खाई रहा है जेके भावर भेनर रोटी खाई रहा है उहे भी ध्यान अंदर इंदा और हिते जेको असाजो हिते मौजूदगी है जे असाजी सिंधी समाज जी गौरव के बयान कंदी वो दिसण लायक हुंदी छिंदवाड़ा टीम